अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? आइए हम देखिए आज हमें क्या काम करना है। आज हम हैश ऐड करेंगे, #8। इसमें सफ़ा नंबर 17 और 18, कल हमने सफ़ा नंबर 16 किया था #7 में। आज हमारी बारी है #8 करना है, #8 सफ़ा नंबर 17 और 18। आज हमें दो पेज करने, सफ़ा नंबर 17 और 18 घर के काम में, जमाते काम में, और घर के काम में भी हमें यही पेजेस मुकम्मल करने, सफ़ा नंबर 17 और 18। सफ़ा नंबर 17 और 18 में यही पेज मुकम्मल करने हैं। आइए हम जमाते काम में देखिए हमें क्या काम है सफ़ा नंबर 17 और 18 में। ये है सफ़ा नंबर 17, ठीक है, नज़र आ रहा है ना आपको बेटा जी। अब इसमें है मुश्किल अल्फाज 6-10, वो लिखने और इनफरादी पढ़ाई करनी और लिखाई सफ़र नंबर 3 की लिखाई करनी है। 6-10 आपको नज़र आ रहे हैं ना, और यहीं पर सेम ये दो बार लिखा, मैं आपको एक बार लिखकर दिखा दूँगी और नीचे आप खुद यहाँ पर आप दूसरी लाइन में आप खुद लिखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ पहला हरूफ है मुश्किल अल्फाज, पहला क्या लिखा हुआ है, सफ़ेद। ठीक है, सफ़ेद। नंबर 7 पे क्या लिखा भाई, मकान। क्या लिखा हुआ बेटा, मकान, शाबाश। पढ़ते भी जाइए ताकि आप लोगों को पढ़ने में भी आसानी हो और लिखने में भी आसानी हो। प्रैक्टिस घर पे करते रहिएगा इसकी मश्क। काला नंबर 8 पर है, काला। नंबर 9 है गेट। नंबर 10 है नादिर। यहाँ मैंने एक बार लिख दिया है, आपको यहाँ दो बार लिखना है ताकि आपकी लिखाई बेहतर हो और मुश्किल अल्फाज आपको याद हो जाएं, ठीक है। पर एक बार और, सफ़ेद, मकान, काला, गेट, नादिर। आइए हमें लिखाई करनी सफ़ा नंबर 3 की। सफ़ा नंबर 3 में देखिए क्या पर लिखाई जा रही है। ये है सफ़ा नंबर 3, सब इस पर क्या लिखाई जा रही है, इस मकान का काला गेट है, क्या ये नादिर का घर है। आइए हम यहाँ पे लिखाई करते हैं, देखो आपके पास यहाँ लिखा हुआ आ रहा है लिखाई सफ़ा नंबर 3। तो आप घर के काम की किताब ओपन कीजिएगा, खोलिएगा और इसमें से देख कर आप लिखाई कीजिएगा। मैं आपको लिख कर यहाँ दिखा रही हूँ, आप भी इसी तरीके से लिखिएगा, ठीक है। देखा आपने किस तरह से मैंने लिखाई की सफ़ा नंबर 17 पे, आपको भी ऐसे ही लिखाई करनी है। आइए देखिए सफ़ा नंबर 18 में हमें क्या काम जा रहा है। दो पेजेस थे ना, दो सफ़े थे 17 और 18। अब 18 में क्या काम करना है, जान छुरूफ मिलाइए और अलग कीजिए 6-10, नज़र आ रहा है सबको, जान छुरूफ में अलग कीजिए 6-10, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं हेडिंग डाल रही हूँ जाँच, मैं आपको यहाँ पे 5 हरूफ दूंगी, 2 मिला के जांच 6-10। पहला हरूफ लिखा है मैंने मकान, इसको भी अलग करना है। अब दूसरा हरूफ मैंने लिखा है सफ़ेद, पता है ना, सीन जमा फे जमा ये जमा दार, इसी तरह से इसको अलग करना है आपको, ठीक है। अब है नंबर 3, इनको मिलाकर लिखना हरूफ को। अपने हम पेरेंट्स के सामने बैठकर, अपने ट्यूशन वाले बाजी के पास बैठ के कीजिएगा छुपा कर, ठीक है।
सही है। उसके साथ हमारा क्या काम जा रहा है? इनफरादी पढ़ाई सफ़र नंबर 1-6। आपको पता है आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई जितनी बार आप करेंगे आपके लिए बेहतर है, ठीक है। ये काम हो जाएगा सफ़र नंबर 18 में। आप देखिए 18 में हमारा घर का काम क्या जा रहा है। ये हमारा सफ़र नंबर 18 में घर का काम। अमली काम नंबर 7 मुकम्मल करें। सत्रह और 18 का काम देख लीजिए। पहले 17 में देखिए, अमली काम नंबर 6 मुकम्मल करें और रूप मिलाई अलग करें, याद करें जो आपको मैंने सफ़र नंबर 18 में टेस्ट किया था। अमली काम नंबर 6 में क्या काम जा रहे हैं? घर से स्कूल आते हुए जितनी चीज़ें नज़र आएँ जैसे ट्रैफिक लाइट, स्कूल, मस्जिद, दुकानें वगैरह की तस्वीर बनाइए और नाम लिखिए। चीज़ों के नाम लिखिए, उनकी तस्वीर। जैसे आपने आप घर से आते हुए स्कूल जाते हुए आपने ट्रैफिक लाइट देखी तो यहाँ तक नाम लिखें और यहाँ पे तरफ ट्रैफिक लाइट की तस्वीर बनाइए। स्कूल का नाम लिखिए, स्कूल की तस्वीर बनाइए। ट्रैफिक का नाम लिखिए, ट्रैफिक की तस्वीर बनाइए। दुकान का नाम लिखिए, दुकान बनाइए और उसके तस्वीर बनाइए। या मस्जिद बना के मस्जिद का नाम लिखिए, मस्जिद की तस्वीर बनाइए, ठीक है। और सफ़ा नंबर 18 में आपको करना है अमली काम नंबर 7 मुकम्मल करें, मुश्किल अल्फाज याद करें 1-8, ठीक है। अब कारकर्दगी नंबर 7 मुकम्मल करें। क्या है कारकर्दगी नंबर 7? आप अपने घर और स्कूल में कचरा कहाँ डालते हैं? ये तो आपको पता है। आप अपने घर और स्कूल में कचरा कहाँ डालते हैं? हम अपने घर और स्कूल में कचरा कूड़ादान में डालते हैं। कहाँ डालते हैं? कूड़ादान में डालते हैं, ठीक है। और कूड़ादान की तस्वीर बनानी है आपको। आपको पता है ना कूड़ादान के लिए डस्टबिन, इंग्लिश में डस्टबिन कहते हैं, उर्दू में कूड़ादान कहते हैं। आपको यहाँ पर कूड़ादान की तस्वीर बनानी है और यहाँ पर इसका आंसर लिखना है कि हम कचरा कहाँ डालते हैं। सबको पता है ना कचरा कहाँ डालते हैं, ठीक है। सब ये इसको अमली काम नंबर 7 को मुकम्मल भी करने और आपको मुश्किल अल्फाज याद करने 1-8। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो होगा फिर मैं आपका घर का काम देखूंगा, आपने ये मुकम्मल किया है कि नहीं, याद किया है कि नहीं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।